Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम और आज हम बनाने जा रही हैं नान खताई, और वो भी फुल बेकरी स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं नान खताई बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा हमें चाहिए होगा 1.5 कप, पाउडर शुगर ली है 1 कप, बादाम मैंने लिए थे आधा कप, 1 एग योक चाहिए होगी, इलायची का पाउडर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, घी चाहिए होगा 1 कप, बेकिंग सोडा चाहिए होगा 2 चुटकी, और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून, और बेसन चाहिए होगा 6 टेबलस्पून। तो चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम बादामों को रोस्ट कर लेंगे। एक मैंने पैन लिया है और उसके ऊपर बादाम डाल दिए हैं, और फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। इसके ऊपर हम बादामों को रोस्ट करेंगे, और जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो जी, अब बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, और ये जो हमने घी रखा हुआ है ये हम इसके बीच में डालेंगे। घी आपने किस तरह से डालना है कि पहले आपने घी को कर लेना है मेल्ट, और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है, और जब ये इस तरह से थिक फॉर्म में आ जाएगा तो फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। इस तरह करने से आपकी नान खताई बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये हमारा क्रीमी शेप में नहीं आ जाता। और अब इसका जो टेक्सचर है वो क्रीम की तरह का हो चुका है, तो अब हम इसके बीच में पाउडर शुगर डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके, और फिर उसको हम बीट करते जाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये उड़े ना, और अब हम इसको इस तरह से बीट करेंगे। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट तक बीट करना है, और ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी तक सिर्फ ये घी और पाउडर शुगर है जिसको हमने इस तरह से बीट किया है, और इसका टेक्सचर देखें, फुल क्रीमी टेक्सचर इसका हो चुका है, और शुगर जो है वो फुल अच्छी तरह से इसमें बीट हो चुकी है। आपने भी इसको तब तक बीट करना है जब तक आपकी शुगर अच्छे तरीके से इसमें बीट ना हो जाए। और अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको हम मैदे में मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने मैदे में डाल दिया है, और बेसन ये भी हम इसमें डाल देंगे, इलायची पाउडर ये भी हम इसमें डालेंगे, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी यकजान हो जाएं। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छा सा छान लेना है। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप जाएं रेसिपी कार्ड की तरफ और इसको नोट कर लें ताकि आप भी बेकरी स्टाइल नान खताई घर में खुद बना सकें। और घी वाला जो हमने बैटर रेडी किया था उसके बीच में ये हम सारा मिक्स कर रहे हैं। ये मैदे वाला मटेरियल जो है ये हमने घी वाले बैटर में मिक्स कर दिया है, और इसको अपने हाथ की मदद से इस तरह से हमने यकजान कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में एक तरह से यकजान हो जाएं। तो ये देखें, ये इस तरह से हो चुकी हैं। अब हम इसके बीच में आलमंड जो रखे हुए थे रोस्ट करके वो हमने डाले हैं, और हल्के हाथ से हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम थोड़ा सा मैदा को डस्ट करेंगे, और इसका हम पेड़ा बना लेंगे, और पेड़ा बना के ये हमने इस तरह से इसको रख लिया है। हल्के हाथ से हमने प्रेस करना है, और बेलने की मदद से हमने इस तरह से इसको बेल लेना है और लंबा कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसको अब इस तरह से बेल लिया है, और अब हम इसको शेप देंगे। मैंने ये ग्लास लिया था, मैं इसके साथ शेप दे रही हूँ, आप किसी कटर के साथ भी दे सकते हैं। इस तरह से हम ये सब के ऊपर शेप दे देंगे। ग्लास के ऊपर अगर आप हल्का सा मैदा लगा लेंगे और फिर इसको आप इस तरह से बिस्किट की शेप देंगे तो ये आपके चिपकेंगे नहीं। उठा के सांचे के ऊपर रख रही हैं, और सांचे के ऊपर मैंने कोई ग्रीस नहीं किया, ये बिल्कुल सिंपल है।
और अब जो हमने एग की योग ली थी इसको हमने इस तरह से सारे बिस्किट्स के ऊपर लगा लेना है ताकि हमारा अच्छा सा कलर आ जाए। तो जी ये हमने सारे बिस्किट्स के ऊपर लगा ली है और अब हम इसके ऊपर थोड़े से आलमंड भी लगा लेंगे। ये आपकी च्वाइस है या आपने लगाने हैं कि नहीं, क्योंकि हमने बीच में डाल दिए हुए हैं। और ये देखें हमने इसको बेक करके निकाल लिया है तो ये कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रही हैं और फुल बेकरी स्टाइल का इसके ऊपर टेक्सचर आया हुआ है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।